हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर। दोस्तों, 8 से 14 अगस्त 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस सेट से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, समय को बचाते हैं और टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 18 महीने। याद रखिएगा, अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के चेयरमैन हैं और इनका कार्यकाल अभी 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं सेबी की, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई। अगस्त 2020 में विलियम किर्क इंग्लिस का निधन हुआ, वे कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर है इसका वैज्ञानिक। दोस्तों याद रखिएगा, ये कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। पुस्तक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन किसने लिखी है? आंसर है इसका यतीश यादव। दोस्तों, यतीश यादव ये एक जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार एवं लेखक हैं। बंगस आवास मेला कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर जम्मू कश्मीर। दोस्तों, ये दो दिवसीय मेला था और इसमें इस वर्ष 370 अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का जश्न मनाया गया। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रधान का निधन हुआ है? आंसर है इसका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है इसका चार्ल्स क्यू ब्राउन। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? आंसर है आयरलैंड। किस राज्य में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू हुई है? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, जो लोग तेंदुपत्ता जंगल से इकट्ठा करते हैं उनके लिए है ये योजना। दोस्तों, तेंदुपत्ता इसका प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है इसका दादर नगर हवेली। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा, पहले दादर नगर हवेली और दमन दीप ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इन्हें दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है। अब पूरा एक संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली दमन दीप। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? आंसर इसका गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत ये हमारे वर्तमान केंद्रीय जल मंत्री हैं। मनोज सिन्हा को किस राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह ली है मनोज सिन्हा ने। अगस्त 2020 में सरली एन ग्रो का निधन हुआ, वे कौन थी? आंसर है उपन्यासकार। दोस्तों, ये पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित थी। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही आंसर प्रदीप जोशी। दोस्तों, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना की गई 1926 में, मुख्यालय नई दिल्ली। प्रदीप जोशी अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। किसे WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर और भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना। दोस्तों, WTF ये एक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। किस पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया? आंसर है इसका एयरटेल पेमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है? सही आंसर है दोस्तों देवलाली। याद रखिएगा, ये बिहार के दानापुर तक चलेगी। किसने OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी ऐप लॉन्च किया है? आंसर है भारतीय रेलवे। दोस्तों, जो तकनीकी खामियों या खराबियों के कारण ट्रेन की देरी होती है उसमें मदद करेगा ये ऐप। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है?
सही आंसर है गिरीशचंद्र मुर्मू। दोस्तों वे राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सिम बैंक ने। दोस्तों यहाँ ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएसडी का ऋण दिया है? आंसर है इसका मोजाम्बिक। दोस्तों बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये ऋण दिया गया है। बात करते हैं एक्सिम बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? आंसर है इसका कर्नाटक। किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है दोस्तों हर्ष कुमार भनवाल। याद रखिएगा दोस्तों हर्ष कुमार भनवाल लगातार 6 साल तक नाबार्ड के अध्यक्ष रहे थे। किसे पीएनवी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? आंसर इसका हरदयाल प्रसाद। दोस्तों हरदयाल प्रसाद एसबीआई कार्ड के पूर्व प्रमुख थे। बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसका टैगलाइन इंपॉर्टेंट है। इसका टैगलाइन है घर की बात। किसे सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है पीएस रानी पसे। दोस्तों सीआरपीएफ याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 1939, मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों पीएस रानी पसे ये ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है नीना राय। अगस्त 2020 में मुकुंद लत का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इतिहासकार। दोस्तों ये पद्मश्री से सम्मानित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड के उत्तराकाशी में इसे खोला जाएगा। किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान दोनों देशों की मित्रता को बढ़ावा देने के लिए तुर्की के सांसद अली साहिन को ये पुरस्कार देगा। इस पुरस्कार का नाम है सितार ए कैद आजम, सितार ए कैद आजम। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? आंसर है इसका एप्पल। दोस्तों दूसरे स्थान पर है रिलायंस और तीसरा स्थान मिला है सैमसंग को। पुस्तक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसने लिखी है? आंसर है योगेंद्र यादव। दोस्तों योगेंद्र यादव ये एक राजनीतिक विश्लेषण है। 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है नोएडा। दोस्तों इसे टाटा ट्रस्ट और विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। LIC ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है यश बैंक। बात करते हैं यश बैंक की, इसकी स्थापना की गई 2004 में, मुख्यालय मुंबई। अगस्त 2020 में जेम्स कमाला हैरिस का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है इसका रेसलर। कहां सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया गया है? आंसर है इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की है? आंसर है उत्तर प्रदेश। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की? आंसर है इसका मॉरिशस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया है? आंसर है दोस्तों 202। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 202 स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? आंसर है इसका कानपुर। दोस्तों स्वदेशी बीज गेंद याद रखिएगा बीज गेंदों में देसी किस्म के बीज खाद एवं मिट्टी शामिल है। इसमें पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं है। मालगुड़ी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है कर्नाटक। याद रखिएगा इसमें पुराने रेलवे स्टेशन भवन को संग्रहालय में बदल दिया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाव ने इस्तीफा दिया? सही आंसर है लेबनान।
दोस्तों लेबनान की राजधानी बैरूत में विशाल विस्फोट के कारण ये इस्तीफा दिया गया है। बात करते हैं लेबनान की, इसकी राजधानी है बैरूत, मुद्रा लेबनानी पाउंड। कोविड 19 वैक्सीन रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत करने वाला पहला देश कौन बना? आंसर है इसका रूस। दोस्तों इस वैक्सीन को नाम दिया गया है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम है सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया? आंसर है इसका प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों ये हमारे वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं। अगस्त 2020 में मनी तोम्बी सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है पूर्व भारतीय फुटबॉलर। किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया? सही आंसर है हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वाल्टर रोजर माट्रोस रुइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है इसका दोस्तों पेरू। याद रखिएगा पेरू की राजधानी है लीमा और यहाँ की मुद्रा है सोल। पेरू सोल पूरा नाम है मुद्रा का, पेरू सोल। 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? सही आंसर है दोस्तों मैक्स वेस्टअपन। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। किसके? रेड बुल के ड्राइवर। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया? आंसर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है इसका महिंद्रा राजपक्षे। दोस्तों याद रखिएगा श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है गोताबाया राजपक्षे। अलेक्जेंडर लुका सेकू किस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए? सही आंसर है बेलारूस। याद रखिएगा दोस्तों बेलारूस की राजधानी है मिंस्क। मिंस्क मुद्रा बेलारूसी रूबल। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की? आंसर है इसका पंजाब। इयान मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं, वे किस देश के हैं? आंसर है इंग्लैंड। किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है इसका अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दो फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका मणिपुर। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? सही आंसर 8 अगस्त 2020। किस राज्य के दो गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? आंसर है ओडिशा। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? आंसर है इसका महाराष्ट्र। किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? आंसर है चीन। किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की? आंसर है बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? आंसर है दिल्ली। किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की? आंसर है इसका गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? आंसर है बीबो। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की? आंसर है राजस्थान। किसने 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं? आंसर है नेपाल। किसने 10 अगस्त को स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया? आंसर है भारतीय रेलवे। भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? आंसर है मालदीव। किस राज्य ने अमेरिकी आईटी फर्म के साथ समझौता किया? आंसर है आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? सही आंसर छत्तीसगढ़। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है नई दिल्ली। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुरक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया? आंसर है 101। किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एम्पायर एलिट पैनल में शामिल किया गया है? आंसर है KN अनंथम पद्मनाभन। किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया? सही आंसर है गूगल। डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।